नमस्कार, गौरा नेटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए हम इस तरह का बॉर्डर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये कैप बनाई है मैंने और इस पर मैंने ये बॉर्डर का जो है डिज़ाइन बनाया है। इस डिज़ाइन को आप फ्रॉक पे भी बना सकते हो और स्वेटर पे भी इस बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से वेस्ट हम पहले सिलाई लगा लेंगे वेस्ट धागे से, इस तरह से देखिए। और फिर अब ये जो नीडी लाइन को मैं आगे की तरफ कर लूँगी। ये इसलिए किया है मैंने क्योंकि हम यहाँ पर ईरैप करते हुए ले जाएंगे। अब क्या करते हैं कि जब हम ईरैप करते हैं डायरेक्ट निडिल पे तो हमारी जो कैरेज है ना फंसने लगता है, इसलिए हम अब इस तरह से करेंगे। और ईरैप करते हुए वाइट कलर का मैंने ऊन लिया है और इसी को हम पूरे निडिल में इस तरह से ईरैप कर लेंगे। इस डिज़ाइन को डालने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने जो ये डिज़ाइन डाला है ये ट्राइंगल शेप में, इसमें मैंने लिए हैं यहाँ पे 6 नीडल और अब हम बनाने वाले हैं इस पे 10 नीडल पे। तो आपको छोटा बड़ा जिस साइज में चाहिए होगा उस तरह से आपने नीडल रख लेनी है। तो 10 के मल्टीपल में आप रखेंगे और 1 नीडल दोनों साइड से, एक एक नीडल एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो ये रैप कर लेती हूँ मैं अभी। देखिए इस तरह से ये रैप कर लिया है मैंने सारी नीडल में। और अब इस जो ये वाइट कलर का हमारा ऊन है इसको हम ले लेंगे कैरेज पे। ठीक है, अब एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। एक सिलाई लगा ली है और ऊपर के लिए अब हमें ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से और यहाँ तक हमें जितनी सिलाई चाहिए होगी। जैसे हम यहाँ पे मैंने 4 सिलाई ली है तो यहाँ हम 8 भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ही बिल्कुल प्लेन सिलाई चाहिए हमको, तो हम 6 सिलाई ले लेंगे। एक हो गई है, 2, ये देखिए 6 रो मैंने बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ट्रायंगल शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस साइड की अपनी लेफ्ट साइड की निडिल हम आगे कर लेंगे और इस साइड से राइट साइड से 10 निडिल रखेंगे हम पीछे की साइड। 2, 4, 6, 8, 10 और उससे आगे की निडिल हम आगे की तरफ कर लेंगे इस तरह से। अब कैरेज के हुक को, कैरेज का जो ये हुक है इसे हम करेंगे पीछे की साइड। तो अपने लेफ्ट में कैरेज ले आएंगे इस तरह से। देखिए साइड की एक निडिल को आगे कर लेंगे। ठीक है, अब जिस साइड हमारा ऊन होगा, देखिए इस तरह से कैरेज पे लगा हुआ जो ऊन है हमारा इस साइड से, तो लेफ्ट साइड से, तो हम उस साइड के एक निडिल को आगे की तरफ करेंगे और राइट में एक सिलाई लगा लेंगे। इस साइड देखिए हमारा ये ऊन आ चुका है, तो इसी साइड से एक निडिल फिर से आगे की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे लेफ्ट में। जिस साइड धागा होगा उसी साइड से एक निडिल आगे करेंगे हम। अगर आप ये कॉम हटाना चाहते हो तो इसे हटा भी सकते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। फिर एक निडिल आगे की और एक और सिलाई लगा ली। ये देखिए एक निडिल जो है पीछे की तरफ रहेगी हमारी। अब जिस साइड हमारा धागा है उसकी दूसरी साइड से एक निडिल पीछे करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। एक निडिल जो हमने पीछे की फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड देखिए फिर से एक निडिल पीछे करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। फिर से एक निडिल पीछे की एक सिलाई लगा ली, एक निडिल पीछे की एक सिलाई लगा ली।
एक निडल पीछे करके फिर से एक सिलाई लगा ली। इसे इस तरह से करते हुए जाएंगे और अभी 2, 4, 6, 7, 8, 9 ठीक है, इस तरह से बना लेंगे हम इसको। अब ये निडिल हम आगे की तरफ कर लेंगे जितनी भी हैं पीछे की साइड, फिर से कैरेज ले आएंगे अपनी राइट साइड इस तरह से, और उससे आगे की देखिए इस धागे से, इससे आगे की जो निडिल होगी 10 निडिल हम फिर से पीछे की साइड करेंगे, हो गई। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, एक सिलाई लगा लेंगे और अभी यहाँ पे ट्रायंगल हम शेप देंगे तो यहाँ पे वेट भी लगाना ज़रूरी है, लगा लिया। और अब क्या करेंगे, निडिल आगे करेंगे, फिर से एक निडिल इस साइड से आगे कर लेंगे। जब हम ट्रायंगल बनाने के लिए, इसे शेप देने के लिए जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो निडिल क्या करनी है, इस धागे के साइड की निडिल को हम आगे की तरफ कर रहे हैं। इस तरह से लास्ट एक निडिल बचने तक इसी तरह से बुनना है हमें इसे। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, एक निडिल अब इस साइड से देखिए हम आगे बढ़ा रहे थे, अब इसकी दूसरी साइड, इस धागे की दूसरी साइड से हमें निडिल पीछे करनी है, फिर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें अपने जितने भी हमारे यहाँ आगे की साइड बनाने को होंगे ट्रायंगल, उसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे उसको। उसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, और देखिए आप 2, 4, 6, 8, 9 अब इस साइड की एक निडल पीछे करके फिर से एक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। तो अब जो ये निडल पीछे की साइड है इन्हें करेंगे हम आगे की तरफ इस तरह से, कैरेज ले आएंगे अपनी राइट में और फिर इस तरह से फिर से देखिए 10 निडिल हम पीछे की साइड करेंगे और ट्रायंगल बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद फिर हम ऊपर अपना बॉर्डर जो ये फंदे हैं ऊपर ले लेंगे इनको। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए लास्ट में इस तरह से बनने के बाद ये जो कैरेज के हुक हैं इसे आगे की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए एक सिलाई लग गई है। और इस तरह से देखिए ये शेप हमारा आने लगेगा। और इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 6 सिलाई लगाई थी, ऊपर के लिए हम 6 सिलाई लगाएंगे, एक हमने अभी लगाई और 5 सिलाई हम और लगा लेंगे इस पर। 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरह से 6 सिलाई लगाने के बाद नीचे जो हमारे ये फंदे होंगे इनको ऊपर हमें ट्रांसफ़र कर लेना है यहाँ पे से। देखिए हमने ये रैप किया था ना, तो इसे हम खोल भी सकते हैं, इसे खोलने के बाद या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से फंदे ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए फंदे इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर, और इस तरह से देखिए हमारी बॉर्डर बन के तैयार है। तो देखिए इस तरह से बन के आएगी हमारी ये बॉर्डर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने सीधी जो सिलाई लगाई है इसको आप ऊपर के लिए कंटिन्यू रखेंगे, तो आपको कैप वगैरह पे अगर ये बनाना है तो इस तरह से बना लेंगे। और बाद में हम जैसे मैंने ये ऊपर से सिल लिया है इसको, ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सिल भी सकते हैं इसको और ऐसे ही फ्री भी रख सकते हैं, ऊपर के लिए ऐसे मोड़ के ऐसे भी रख सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।